चिया। पोषक तत्वों से भरपूर ओमेगा 3 व ओमेगा 6 से युक्त इस फसल की औषधीय उपयोग के लिए हमेशा मांग बनी रहती है। इस वीडियो में हम इस फसल की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, कृषि यात्रा पर। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये है जो फसल जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है चिया। और अभी ये जो खेत है, ये रतलाम जिले का रियावन है, जो प्रसिद्ध रियावन सिल्वर लहसुन के नाम पर आप सब जानते हैं। रियावन सिल्वर की जो लहसुन की जो प्रजाति है, बड़ी फेमस है। वहीं पर यहाँ के किसान भाई ने ये चिया की एक फसल प्रायोगिक तौर पर लगाई है। तो इस फसल को लगाने में और यहाँ से जो इन्होंने इसकी शुरुआत करी है, इसमें इनको क्या अनुभव रहे हैं और ये फसल किस तरह से लगाई जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी रहेंगे। तो ये जो किसान भाई हैं, उनका नाम है वेंकटलाल जी कावरिया और उनके पुत्र हैं हमारे साथ में राहुल कावरिया। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये फसल किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ा बताएंगे फसल के बारे में क्या। अभी इसमें अपन बारिश में पहली बार लगाई है, अपन देखना चाहें कि बारिश में होती है कि नहीं होती है। अच्छा, ज़्यादा पानी सहन करती कि नहीं करती, उसमें हिसाब से। पर अब ज़्यादा पानी अगर इसमें, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो इसके गलने की संभावना रहती है। अच्छा अच्छा। और कितना बीज आपने, आपका एक कितने का खेत, कितने बाई कितने का बीघा खेत है? 2.5 बीघा खेत है। कितना बीज इस्तेमाल हुआ है? ये 1 किलो 800 ग्राम, 1 किलो 800 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से बीज है इसका डालना पड़ता है। तो आइए अब हम इनके पुत्र राहुल से भी जानकारी लेते हैं। तो राहुल भाई, आप बताएंगे ये जो फसल आपने लगाई है, इसकी विधिवत जानकारी जी, इसका जो बुआई का समय होता है वो क्या उचित रहेगा? ग्रीष्मकाल में छोड़ के इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे खरीफ में चाहे रबी में। रबी में अक्टूबर इसका समय बेस्ट रहता है। अच्छा, रबी टाइम पे इसको ठीक रहेगा जी। इसकी बीज की जो मात्रा होगी प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से कितनी रखनी जरूरी है? प्रति एकड़ में आप अप्रोक्स 2 किलोग्राम रख सकते हैं, और अगर बीघा में रखना है आपको तो 600 से 800 ग्राम जो है एक बीघा में आती है इसकी। अच्छा अच्छा। बीज की मात्रा, ये जो बुआई का तरीका होगा, किस विधि से बुआई करना उचित रहेगा? छिड़कवा विधि में कर सकते हैं आप। इसके बीज जो रहते हैं काफ़ी छोटे रहते हैं, तो उनको बालू के साथ मिक्स करके आप छिड़कवा विधि से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहें तो नर्सरी के थ्रू भी इसका होता है। जो बीज का उपचार करना हो तो वो उसके लिए क्या विधि रहेगी? आप बीज का उपचार थायरम, कैप्टान या फिर कार्बनडाजिम के थ्रू कर सकते हैं। इसमें 2 ग्राम पर kg इसमें एक रहता है इसमें। अच्छा, उसके अलावा इसका जो जलवायु रहती है, मतलब किस मौसम का और किस तरह की जलवायु के लिए उचित रहेगी ये फसल? मध्यम जलवायु इसके लिए उचित रहती है, जो कि मालवा की जलवायु इसके लिए काफ़ी सही है, जो नीमच, मंदसौर और रतलाम एरिया जो रहता है इसमें। और जो भूमि है, मिट्टी या भूमि, जो खेत की जो भूमि होती है, वो किस प्रकार की ठीक रहेगी इस फसल के लिए? उपजाऊ हो या फिर अगर कम उपजाऊ भूमि में भी ये अच्छी ग्रोथ करती है ये फसल। अच्छा, तो सभी तरह की मिट्टी में इसको बोया जा सकता है? बोया जा सकता है इसको। अगर कम उपजाऊ भूमि भी है तो उसमें भी ये अच्छी तरह से अच्छा रिजल्ट देती है। खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए? खेत की तैयारी आप इसकी जो है जुताई करके और उसके बाद इसमें कल्टीवेटर करके बुआई कर सकते हैं इसकी, छिड़काव। अच्छा, और नमी रहना चाहिए उसमें जी। तो राहुल भाई, ये जो खाद और रासायनिक उर्वरक की बात करें तो क्या क्या दिया जाना उचित रहेगा? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो मात्रा रहती है 40, 20 या 15 kg के आसपास रहती है। 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश के आसपास आप इसमें दे सकते हैं। वो आपकी डिपेंड करता है, इसके लिए बहुत सारे उर्वरक हैं जैसे यूरिया हुआ, DAP, NPK, इनके थ्रू भी इन न्यूट्रिएंट की पूर्ति की जा सकती है। तो ये जो तत्व है नाइट्रोजन वगैरह, ये फसल में जी हाँ, इसको 2 बार आपको देना पड़ता है। यूरिया को 2 भागों में डिवाइड करके देना पड़ता है इसको आपको। 1 30 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं और 1 60 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो भाई साहब, ये जो फसल है ये कितने महीनों की कंप्लीट हो चुकी है? ये अभी 75 दिन हो गए, 2.5 महीने हो गए इसको। 2.5 महीने हो गए। हाँ, 4 महीने की फसल है। अच्छा, इसमें कुछ देख पा रहे हैं ये जो पत्तियों के अंदर? हाँ, इसमें एक बार इल्ली आती है, छोटी छोटी रहती है, तब इल्ली पड़ती है इसमें, तो उसमें अपनों ने नव भारत कंपनी की जेम्स बॉन्ड दवाई है उसको छिड़काव करा, उसमें सागरिका मिली। सागरिका उसमें ये जैसे पौधे में वृद्धि करता है, फल फूल में बढ़ोतरी करता है, उससे पैदावार अच्छी होती है। अच्छा, वो मिला देते हैं उसमें, उसके बाद में ज़्यादा मतलब दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है, एक ही छिड़काव में काम हो जाता है। तो राहुल भाई, ये जो खरपतवार जो इसमें प्रॉब्लम रहती है फसलों में आमतौर पर, तो इसमें किस प्रकार से हमको इसकी प्रॉब्लम फेस करना होती है?
इसमें जो है इसकी समस्या तो बहुत कम देखी जाती है, लेकिन खरपतवार की जो समस्या रहती है वो इनिशियल स्टेज या कहें शुरुआती जो 20 दिन रहते हैं, 20 से 30 दिन, उसमें इसमें खरपतवार की समस्या रहती है, क्योंकि खरपतवार भी इसके साथ साथ ही बढ़ते हैं और उस समय इसका फैलाव इतना होता नहीं है, जिस कारण खरपतवारों को भी प्रकाश और हवा बराबर मात्रा मिलते हैं, तो ये उसको सप्रेस कर सकते हैं उस स्टेज पर। लेकिन जब बाद में ये फसल बड़ी हो जाती है तो आप देख पा रहे हैं इसकी ये अच्छा खासा फैलाव कर लेती है, जिसके कारण जो खरपतवार रहते हैं वो नीचे दब जाते हैं और उनको पर्याप्त प्रकाश और सूर्य जो हवा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनका मतलब उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कह सकते हैं कि बाद वाले स्टेज में इसमें खरपतवार नाशी की या किसी भी तरह के खरपतवार प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है, शुरुआत में आपको देखना पड़ता है, उसके लिए आप निदाई गुड़ाई इसमें कर सकते हैं जिससे कि खरपतवार कंट्रोल हो सके। और सिंचाई, सिंचाई आमतौर पर खरीफ में इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप रबी में इस फसल का अगर मतलब लगाते हैं ये फसल, तो रबी में आप इसकी 3 से 4 सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फसल कटाई का जो रहता है तरीका, वो क्या रहता है, कब आ जाती है फसल आमतौर पे? इसकी जो ड्यूरेशन रहती है, इसकी जो समयावधि रहती है, वो रहती है 3 से 4 महीने की। तो कह सकते हैं 100 से 120 दिन में आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी। अच्छा। तो उस समय आप इसकी बीज आने के बाद हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो राहुल भाई, इसकी जो उपज की बात करें तो उपज कितनी प्राप्त हम कर पाएंगे, किसान भाई किस प्रकार से उपज इसकी प्राप्त कर पाएगा? प्रति एकड़ इसमें आप 5 से 6 कुंटल एकड़ जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर उपज प्राप्त कर ली है किसान, तो इसको मंडी कहाँ पर सबसे उसकी इसकी जो मंडी रहे? की उपलब्धता रहेगी आपको नीमच है, मंदसौर है, यहाँ पर ये इसकी मंडी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। साथियों, अब हम देखेंगे चिया का प्रति बीघा के अनुसार अनुमानित खर्च कितना आता है। प्रति बीघा 700 ग्राम बीज के मान से इसकी आवश्यकता होती है। इसके बीज क्रय करने में लगभग बाजार भाव के अनुसार 200 रुपये प्रति किलो की लागत लग सकती है। उर्वरकों की बात की जाए तो जैविक या रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाए तो 1000 रुपये प्रति बीघा का लगभग खर्च आ सकता है। इसके अलावा अन्य खर्च अगर देखे जाए तो जुताई, खरपतवार प्रबंधन, पानी, बिजली, कटाई और थ्रेसिंग सब मिलाकर हम 4000 रुपये इसका खर्च मान सकते हैं अनुमानित। तो कुल खर्च हम देखते हैं तो यहाँ पे आता है 5200 रुपये। अब हम देखें प्रति बीघा अनुसार आय कितनी हो सकती है। तो उत्पादन अगर हम देखें तो लगभग 300 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर समय अनुसार भाव की हम कल्पना कर रहे हैं तो 18000 से 20000 रुपये प्रति क्विंटल मिल सकता है, मतलब 300 किलो का हम प्राप्त कर सकते हैं लगभग 60000 रुपये, यानी 55 से 60000 हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर खर्च को घटा दिया जाए तो हमें 50 से 55000 रुपये प्रति बीघा का लाभांश प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी चिया की जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।